नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार सेट IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 3 मेरी शिक्षा पाठ को लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अक्षय आरंभ से लेके पूरी शिक्षा के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। पाठ में विभिन्न प्रकार के शब्दों को भी जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन सब के बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया गया है, समझा दिया गया है, कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दी गई है। हम समझते हैं कि आप बच्चों का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। आप एक प्रक्रिया हमेशा ही करते हैं, वो है गृहकार्य। लेकिन अगर गृहकार्य बच्चों को इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता है करना, तो अगर हम बात करें कि बच्चों को नीरस ना लगे, तो ऐसा भी कोई गृहकार्य हो तो बच्चों को गृहकार्य रोचक लगे, इसके लिए हम एक प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसका नाम है हमारे नवाचार का गृहकार्य ही। गृहकार्य में अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें इस नवाचार में, तो अगर कॉन्सेप्ट की नवीनता और उपयोगिता की बात करें, तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए बच्चों का अपना अध्ययन कराया जाता है और पाठ का गृह कार्य कराया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों में सृजनात्मक लेखन का भी विकास किया जाता है। साथ ही बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 15 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में हमें पूर्व प्रबंधन में हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब इस नवाचार के क्रियान्वयन पर अगर हम चलें, तो सबसे पहले ये तय किया जाए कि बच्चों को इस पाठ से, मेरी शिक्षा पाठ से संबंधित समस्त प्रकार के कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दी गई है, व्याख्या का निर्माण कर दिया गया है। बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों जो हमारा पाठ है मेरी शिक्षा, इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अक्षय आरंभ से लेकर समस्त प्रकार की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार आप भी अपने अभिभावकों की मदद से अपने अक्षय आरंभ की एक कहानी आप लिख कर लाएंगे। कहानी या फिर अपनी जो आपकी बात है, जो जिस प्रकार से आपने अक्षय आरंभ किया, वो आप लिख कर लाएंगे, या फिर आप किसी के भी अपने घर में उनकी अक्षय आरंभ की पूरी कहानी को आप लिख कर लाएंगे। इससे जब आप कहानी को लिख रहे होंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उसमें अक्षय आरंभ हो और बे उपसर्ग वाले शब्द हों, साथ ही समानावृत्ति वाले शब्द हों, और इस प्रकार से आपको पाठ का लिखकर आपको लेके आना है। यहाँ पर अभिभावकों के लिए निर्देश ये हैं कि वो बच्चों को शब्दार्थ और अक्षय आरंभ, बे उपसर्ग वाले शब्द, समानावृत्ति वाले शब्दों पर विशेष बल दें और बच्चों की मदद करें। साथ ही आज आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित जो आपको गृहकार्य दिया गया है, उसको आप करके लेके आए अपने अभिभावक या अपने आसपास के परिजनों की मदद से। बच्चे करके लेके आए और उनको बताया जाता है कि बच्चों आप जो करके आओगे, अब अगले दिन आपको स्वयं आके कक्षा में आके उसको बताना है, सब पढ़ाना है, जो आप करके आए हो, लिख के लेके आया हो, तो उसको आपको बताना है। इससे क्या होगा कि आपने जो किया है उसका तो पुनर्ध्ययन होगा ही, साथ ही जो बच्चे और सुन रहे हैं तो उनका भी पुनर्ध्ययन होगा और आपकी लेखन शैली का भी विकास होगा। और बे उपसर्ग वाले शब्द सुनने को मिलेंगे, समानावृत्ति वाले शब्द सुनने को मिलेंगे, इस प्रकार से बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है, बच्चे इसको रोचकता से करते हैं इस नवाचार को। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे और ऐसे हम मेरी शिक्षा पाठ का पुनः अध्ययन गृहकार्य नवाचार के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। सेट IIEI की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अनुभवी पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।